दोस्तों, अगर आप घर बैठे डेली के 50 से 60 डॉलर कमाना चाहते हो तो आज मैं आपको पांच लो कंपटीशन वर्क बताने वाला हूँ फाइबर पे, जिसे आप कर सकते हो। सच बताओ, महीनों तक वेट करने के बाद फाइबर से कितने क्लाइंट्स मिले? मुश्किल से 2 से 4, कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिलता। मिलेगा भी कैसे? क्राउड जो ज्यादा है। लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो में आपको दो बोनस मिलेंगे। पहला, आज आपको पांच ऐसे ऑन डिमांड लेकिन लो कंपटीशन गिग्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकता है। उसके बाद बताऊंगा कैसे आप अपने गिग को एकदम ऊपर रैंक करा सकते हो और ज्यादा ऑर्डर्स पाना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो ऑनलाइन अर्निंग को लेके सीरियस है। इस वीडियो में ऐसे कीमती इंफॉर्मेशंस मिलेंगे जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहला गिग है AI इमेज जनरेशन। आपको लग सकता है AI इमेज करके कोई कैसे पैसा कमा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना आपकी गलती होगी। AI इमेजेस को आज ग्राफिक, टी शर्ट, वेबसाइट जैसे कई कमर्शियल यूज के लिए यूज किया जा रहा है। इवन अब तो लोग AI इन्फ्लुएंसर भी बना रहे हैं। इसीलिए अगर आप AI के साथ अपने क्रिएटिविटी को कंबाइन करके अच्छा इमेज जनरेट कर सकते हो तो इससे बहुत पैसा अर्न कर सकते हो। देखो, ऐसे इमेज Leonardo.AI जैसे टूल की मदद से कोई भी फ्री में बना सकता है, लेकिन इमेज जनरेट करने और स्टनिंग इमेज जनरेट करने में फर्क है। आपकी क्रिएटिविटी, की अटेंशन टू डिटेल की मदद से कुछ ऐसा बनाओ जो बाकियों के इमेजेस से स्टैंड आउट करे। इसके लिए आपको बस दो चीजों की जरूरत है, पहला क्रिएटिविटी और दूसरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्रिएटिविटी तो आपको प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करना होगा, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से सीखने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी सीखनी होगी। इसके लिए आप स्किल्सिया के ChatGPT कंप्लीट कोर्स को एनरोल कर सकते हो। यहाँ जनरेटिव AI और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में अच्छे से सिखाया गया है। ऑलराइट, अब AI इमेज जनरेट करने के लिए आप Leonardo.AI को यूज कर सकते हो। यहाँ आपको डेली क्रेडिट्स दिए जाएंगे जिन्हें यूज करके आप फ्री में इमेज कर सकते हो और फिर उसे 1000 रुपए से भी ज्यादा प्राइस लेके सेल कर सकते हो। फाइबर पे लड़के 3000 तक चार्ज कर रहे हैं AI इमेज जनरेट करने के लिए, और ऐसा आप भी कर सकते हो और मंथली हाई अमाउंट अर्न कर सकते हो। दूसरा, AI स्पोक्स पर्सन जनरेटर। सोशल मीडिया अब एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि बिजनेस की जगह बन गई है। इसलिए आज लोग 2 से 3 यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज ओपन करके बैठे बैठे लाखों कमा रहे हैं। अब देखो, हर पेज के लिए खुद से कंटेंट बनाना तो इजी नहीं है, इसलिए आजकल मार्केट में कंटेंट क्रिएशन ऑटोमेशन एक बहुत अच्छा बिजनेस बन गया है। कंटेंट क्रिएशन ऑटोमेशन में बेसिकली आप दूसरों के लिए कंटेंट बना के देते हो। अब आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हो या AI की मदद से भी कर सकते हो। इस सर्विस के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं, जैसे कि आपको स्क्रिप्ट लिखना है, देन उस पे वॉइस जनरेट करवाना है, उसके बाद AI एवेटार बनाना है एंड उसे एनिमेट करना है। ये सब कैसे करना है इसके ऊपर एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तीसरा है थंबनेल। दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये कहावत एप्रोप्रिएट है थंबनेल्स के लिए। हमारे इतने सालों के YouTube चैनल में हमने एक चीज नोटिस किया है, वीडियो कितना भी अच्छा हो अगर उसका कवर अच्छा ना हो तो कोई क्लिक ही नहीं करेगा। इसलिए आज हमने खुद भी एक प्रोफेशनल थंबनेल एडिटर को हायर किया है। थंबनेल एडिटर्स एक एक थंबनेल के लिए 500 से 1000 तक चार्ज करते हैं। एक थंबनेल को बनाने में अप्रोक्स 2 घंटा लगता है। एक्सपीरियंस्ड हो तो उससे भी कम में थंबनेल बना के आप ₹1000 या उससे ज्यादा कमा सकते हो। एंड थंबनेल एडिटिंग के बारे में मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज क्लाइंट्स की नीड। देखो, अगर कोई यूट्यूबर आपसे थंबनेल बनवा रहे तो वो ओनली एक बार या एक महीने के लिए नहीं बनवाएंगे। इसलिए अगर आप अच्छा काम डिलीवर करोगे और रिलेशन अच्छा रखोगे तो रिकरिंग बेसिस पे क्लाइंट मिलते रहेंगे। अगर एक यूट्यूबर महीने का 5 थंबनेल बनाते हैं और एक एक थंबनेल के लिए 500 देते हैं तो एक क्लाइंट से 2500 बन जाएगा विदाउट फुल टाइम कमिटमेंट। आप ऐसे ही 3 और क्लाइंट्स के साथ काम करो तो 10,000 मंथली ऐसे ही बन जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा गिग बन सकता है। चौथा है ऑनलाइन कोर्स कंटेंट राइटिंग। ऑलराइट दोस्तों, दिस गिग इज रियली अमेजिंग। कोर्स सेल करके सब पैसे कमाते हैं, लेकिन अब आप कोर्स बनाने में हेल्प करके भी पैसा कमा सकते हो। देखो, कल अगर मैं एक कोर्स डिजाइन करने का सोचूं तो सबसे पहले मुझे कोर्स का कंटेंट सोचना पड़ेगा, और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेन टाइम इसी काम को करने में लगता है। मैं जब अपने कोर्स के लिए कंटेंट बना रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज था क्योंकि बताने को बहुत कुछ था, लेकिन मेरे ऑडियंस को क्या सच में वो सब चाहिए? कहीं ओवर इन्फॉर्मेशन देके कोर्स बोरिंग ना हो जाए या फिर कम इन्फॉर्मेशन देके कोर्स यूजलेस ना बन जाए। ये सब सोचते सोचते मैंने लिटरली बहुत दिन वेस्ट किया। लेकिन वही अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मार्केट रिसर्च करके, ऑडियंस के नीड को समझ के, मेरे कंपटीटर्स के कोर्स को एनालाइज करके अगर एक कोर्स कॉन्टेंट बना दे तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। ये सब मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोर्स का स्क्रिप्ट लिखना है, कोर्स शूट करना पड़ेगा, क्लास को एडिट करना पड़ेगा, तो इतना रिसर्च करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए आई वुड हायर समवन जो मुझे ये करके दे। और इसीलिए फाइबर पे लड़के 95,500 से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं कोर्स कंटेंट बनाने के लिए। देखो, इनका गिग बहुत सिंपल है। ये आपको 10 चैप्टर्स लिख के देंगे और हर चैप्टर में 700 वर्ड्स रहेंगे। मतलब इनके रिसर्च और 7000 वर्ड लिखने के लिए ये 95,000 प्लस चार्ज कर रहे हैं, और ये काम आप भी कर सकते हो। पांचवा है ई बुक घोस्ट राइटर।
राइटिंग। आजकल लोग बुक खरीदने की जगह उसके फ्रैक्शन ऑफ प्राइस के अमाउंट में ईबुक ऐप का सब्सक्रिप्शन लेके लाखों बुक्स का एक्सेस लेते हैं। कहीं भी कभी भी पढ़ने के लिए ईबुक्स को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है और बिजनेस के एंगल से देखें तो ये काफी बढ़िया प्रोडक्ट है। आप एक बार लिख के ईबुक को जितनी बार चाहो बेच सकते हो, इसलिए ये एक बहुत अच्छा बिजनेस बन गया है। लेकिन एक ईबुक को लिखना भी बहुत हार्ड जॉब है। अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट नहीं है तब तो बुक को खत्म करना बहुत टफ है, लेकिन जिन लोगों को लिखना पसंद है उन लोगों के लिए ये बेस्ट काम है। देखो, एक ईबुक को लिखना सब नहीं होता, उसकी मार्केटिंग एक अलग टायरिंग वर्क है। इसलिए अगर आप सिर्फ लिख के पैसा कमाना चाहते हो तो ईबुक घोस्ट राइटिंग आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। ईबुक घोस्ट राइटिंग मतलब आप दूसरे को ईबुक लिख के दोगे लेकिन उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लोगे। आपका क्लाइंट उसे अपने नाम से पब्लिश करेंगे लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट पे करेंगे। और देखो, मैक्सिमम लोग मिनिमम 3,450 से ऊपर चार्ज कर रहे हैं और बदले में 5,000 वर्ड का ईबुक लिख के दे रहे हैं। तो अगर क्रिएटिव राइटिंग में इंटरेस्ट है तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब बात करते हैं सेकंड बोनस के बारे में। इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप टॉप 5 गिग्स के डिस्क्रिप्शन को कॉपी करो और चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट करो, फाइंड एसईओ कीवर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ। अब जब अपने गिग का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तब इन कीवर्ड्स को यूज करो या चैट जीपीटी को बोलो इन कीवर्ड्स को यूज करके डिस्क्रिप्शन लिख के देने को। देखो, फाइबर का एल्गोरिदम बहुत सिंपल है, इसलिए कीवर्ड नेचुरली आप जिन भी जगह पे ऐड कर सकते हो वहां ऐड कर सकते हो, गिग के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और अपने नाम में भी। और लास्टली जो टिप देना चाहूंगा वो मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला है। उसके पास फाइबर पे काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सोचा ये सीक्रेट भी शेयर कर दूं। देखो, फाइबर पे पहला गिग बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको 2 से 4 ऑर्डर्स मिल जाते हैं, टेस्टिमोनियल्स मिल जाते हैं, तब काम मिलना और आसान हो जाता है। तो अगर आपका कोई पहचान वाला आपसे कोई काम करवाना चाहता है तो आप उनको अपना गिग का लिंक दो और बोलो वहां से ऑर्डर बुक करने को, और काम हो जाने के बाद आप उनसे टेस्टिमोनियल्स भी ले लो ताकि अब आपके अकाउंट को एक बूस्ट मिले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।